कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन के दौरान रामानंद सागर का मशहूर सीरियल रामायण खूब धूम मचा रहा है। दर्शक इस सीरियल के लिए वैसे ही एक्साइटेड हैं जैसा कि कभी 90 के दशक में हुआ करते थे। वहीं जब से ये सीरियल दूरदर्शन पर फिर से स्टार्ट हुआ है तभी से इस धारावाहिक के सभी किरदार और उनसे जुड़े किस्से चर्चा में आ गए हैं। वहीं लॉकडाउन के दौरान ये सीरियल झट से शुरू हो गया, लेकिन 33 साल पहले इस सीरियल को टेलीकास्ट करने में 2 साल का समय लग गया था। इतना ही नहीं, इस सीरियल को दूरदर्शन चैनल पर दिखाने के लिए रामानंद सागर दूरदर्शन और सूचना प्रसारण मंत्रालय में ना जाने कितनी बार चक्कर लगाए। वैसे तो रामानंद सागर को रामायण के प्रसारण की अनुमति साल 1985 में ही मिल गई थी, लेकिन बावजूद इसके रामायण के प्रसारण को लेकर दूरदर्शन अधिकारियों से लेकर मंत्रालय तक सभी काफी कंफ्यूज थे, क्योंकि ये एक धार्मिक सीरियल था और करोड़ों भारतीयों की आस्था का सवाल था। फिर जब रामानंद सागर ने रामायण का पहला पायलट एपिसोड बनाकर दूरदर्शन वालों को दिया तो चैनल वालों ने उसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, जिसका कारण रहा सीरियल में सीता माता के कपड़े। इस सीरियल में सीता की भूमिका निभाने वाली एक्ट्रेस दीपिका को कट स्लीव्स कपड़ों में दिखाया गया था। चैनल वालों को लगा कि माता सीता को कट स्लीव्स में देखकर लोग बवाल कर सकते हैं। उसके बाद रामानंद सागर ने एक बार फिर से पायलट बना कर दिया, जिसमें सीता माता की वेशभूषा पहले से अलग थी, लेकिन फिर चैनल वालों ने इसे रिजेक्ट कर दिया। इस सीरियल की शूटिंग का सेट गुजरात महाराष्ट्र की सीमा पर उमरगाम में लगाया गया था। बार बार सीरियल की पूरी कास्ट को वहां ले जाना लाना काफी महंगा पड़ रहा था, लेकिन बावजूद इसके रामानंद सागर ने तीसरी बार पायलट एपिसोड शूट किया और दूरदर्शन में जाकर दिया। लेकिन पहले की ही तरह इस बार भी दूरदर्शन को उसमें भी कुछ खामियां दिखी और उसे भी रोक दिया गया। अब तक रामानंद सागर पूरी तरह से परेशान हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। ऐसा करते करते 25 जनवरी को उन्हें रामायण का प्रसारण करने की अनुमति मिल ही गई। सीरियल टीवी पर आया और इसकी कामयाबी ने न सिर्फ रामानंद सागर को बल्कि चैनल वालों को भी हैरान कर दिया।